हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। जिला चित्को ब्लॉक रामनगर, रामनगर कस्बा राजापुर, कस्बा राजापुर का मोहल्ला, यहाँ पे कारखाना, यहाँ पे लगभग 5000 की आबादी है। 5000 के आबादी में काफी लोग की समस्या है, जैसे यहाँ पे लोगों को घर नहीं है, पूरे घर जो है भी है छोटे मोटे तो वो घर पूरे गिरे पड़े हैं। लोगों का रहने के लिए जगह नहीं है, लोग कहीं रोड में रह रहे हैं, कोई सड़क में रह रहे हैं। और जो यहाँ पे घर गिरने का कारण है कि यहाँ पे जो एक नाला पुराना था तो वो उसको पुरवा दिया गया है, इस कारण से पूरा बस्ती में पानी भरा हुआ है। अरे समय से यहाँ के मुहारे में पानी अंदर भरा है, कीचड़ में रह रहे हैं। अरे अब यही है कि मकान गिर जाएंगे तो दब जाएंगे, मर जाएंगे, अब क्या होगा? है कह नहीं मांग की कोई सुनाई नहीं होती तो क्या मांग कर रहे हैं। अभी अब थोड़िया फुंसी होती है, फोड़ा हो जाते हैं, कपड़ा गंदे हो जाते हैं, लड़का बच्चा पढ़ने लिखने जाते हैं तो गिर जाते हैं, तो कपड़ा भी गंदे हो जाते हैं, बुखार भी आ जाता है, बनी मजदूरी जा नहीं पाता है। 8-10 दिन हो गया है गिरा, 2-3 बार मतलब थोड़ा थोड़ा करके गिर गया बारिश की वजह से, और ये पानी है तो पीछे से लगा है। अभी मामा के घर में रह रहे हैं। ये तो जो घर गिरे हुए हैं ये चूंकि इस बार बारिश का जो रेशियो था वो रेशियो काफी ज्यादा था बारिश का, तो इस वजह से वो घर गिरे हैं, ना कि किसी नाली या नाले की वजह से। रही बात नाली और नाले के पानी के निकास की, तो उसके लिए अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं थी। अब सूचना मिल गई है तो उसके लिए हम सफाई कर्मियों को भेज करके पानी के निकालने के लिए एक मार्ग जो है बना देंगे, नालियों को सफाई करवा करके, जहां भी बड़ा कचड़ा जो है फंसा हुआ है जिसके वजह से पानी नहीं जा पा रहा है उसकी सफाई करा देंगे, पानी जो है निकलने की एक व्यवस्था हो जाएगी। वो तो कल ही हम भेज देंगे सफाई कर्मियों को, कल ही सफाई हो जाएगी। इसके संबंध में हमें जानकारी भी मिली है और आपके द्वारा भी जानकारी मिली है कि कुछ लोगों का जो है वर्षा के कारण उनका घर पानी में डूब गया है और कुछ लोगों का घर गिरा हुआ है, तो ऐसे प्रकरण में संबंधित लेखपाल को अपने स्तर से मैं निर्देशित किया हूं कि मौके का जांच कर लेगा और जितने लोगों का जो था कि घर गिरा हुआ है उसका जाँच करा करके नियमानुसार जो था कि आपदा के संबंध में जो होता है कि जो भी प्रक्रिया है उसको जांच करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और मुझे अन्य भी क्षेत्रों से भी लगातार शिकायतें मिल रही है लोगों के, या फसल नष्ट होने के और मकान गिरने के, तो ऐसे सभी मैं लेखपालों को निर्देशित किया हूं कि मौके पर जाकर असली निरीक्षण कर ले और तत्काल जो होता है कि वहां से हमको रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि उनको तत्काल सरकारी सहायता दी जा सके। यह जिला वाराणसी का जो है कि ब्लॉक चोलापुर पड़ेगा, गांव अजगरा है। के लगभग 4 बजे की बात है, यहाँ फत्तू साहनी उम्र 70-72 लगभग में पड़ेगी। कच्चे मकान गिरने से हो गई मौत, मौके पे मौत होने के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई कि हम किस तरह से उन्हें निकाला जाए। हालांकि सूचना पहुंचने के बाद प्रशासन लगभग 2 घंटे के बाद पहुंची, किसी मशक्कत से उनके शव को निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। नहीं तो चिल्लाया लोग न मंदिर पर, सब आदमी जुटल सुतल अपन मेरे रूम पर, 4 बजे भुररी हो गई न, चिल्लाई न ये बगल में का, तब सब उठ उठाए तो हटल। आते आगे तो फिर क्या देखी आपने यहाँ पे? यहाँ पे देखे कि बूढ़ा वो दबा गल एकदम एकदम दबा गल न, तो सब खोज था केहर दबाएल बाटन, तो वह चट्टनी सब वह सलिया लौकर तो भर के यही हुआ, तब वह बड़का बड़का ये बगल आप चढ़ गई हैं वही तारा, तब जाके अंदर मिला ही फट गया है, आके यहाँ से कुल खून हाथ टूट गया है। उनकी मौत हो गई थी खाली बुढ़े वाला, क्यों भी नहीं रहा, कोई नहीं था, खाली बुढ़ा रहा, वो बच्चे लोग सभी काला, यहाँ का गांव वाला सभी काला, ये इतना चक्का मारते सब बच्चे लोग। सूचना वहाँ प्रधान से मिली है, प्रधान से सूचना मिली सुबह के 4 बजे ऐसा हो गया, मकान गिर गया था, तो ये सूचना प्रधान से मिली है। तभी तक क्या हुआ दीदी, उसमें जांच हुई क्या हुआ? हाँ जांच हुई, रिपोर्ट लगा, यही हुआ है, वहाँ कानूनगो साहब होंगे तो उनसे भी आपको ये पता चल जाएगा।
हाँ वो तो सरकारी स्तर से बिल्कुल सहायता होती ही है, सहायता होती है, ये बात ये तो है नहीं। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।